जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो यह समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यकाल के दौरान दो अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूँ। इन कार्यक्रमों में युवाओं से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक सभी के द्वारा समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2020 में देखते देखते हमारी दुनिया बदल गई। लगभग 100 साल बाद एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब यह आशा करते हैं कि पूरा विश्व समुदाय इस महामारी से भविष्य के लिए उपयोगी सबक हासिल करेगा। पहला सबक यह है कि मानव समाज ये भूलने लगा था कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। वास्तविकता ये है कि वह ना तो प्रकृति से अलग है और ना ही प्रकृति से ऊपर है। महामारी का प्रकोप कुछ हद तक पर्यावरण में हुए असंतुलन से भी जुड़ा है। पिछले 2 वर्षों की विभीषिका ने यह भी याद दिलाया है कि पूरी मानवता वास्तव में एक ही परिवार है और सभी का अस्तित्व आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है। सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। कोरोना काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी पहुंचाया। यदि हम अपनी नीतियों के निर्धारण में इस वैश्विक महामारी से प्राप्त शिक्षाओं को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी गंभीर आपदा के आने पर उसका सामना हम अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन अब वाद विवाद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके परिणाम हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करने लगे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है। इस संदर्भ में ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल विशेष रूप से सराहनीय है।